अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब व्हेन एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 3/2, एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 7/3। टू फाइंड एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब यूजिंग फार्मूला, फार्मूला हम यूज करते हैं, क्या है फार्मूला, एक्स माइनस वन ओवर एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स। इन क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला यूज होते हैं। तो पुटिंग वैल्यूज पुट करते हैं, तो एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू आपको 3/2 भी गिवन है, 7/3 भी गिवन है। तो मैं सबसे पहले पार्ट नंबर 2 करता हूं, तो क्या वैल्यू है, 7/3 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब, अपनी जगह पे लिखे माइनस 3, एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या है, 7/3। अब 7/3 होल क्यूब का मतलब क्या है, 7/3 मल्टीप्लाइड बाई 7/3 मल्टीप्लाइड बाई 7/3, तो 7 7 49, 49 7 343, 3 3 9 9 3 27, तो क्या आता है 343/27 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब माइनस 3 7 3 7 21 डिवाइडेड बाय, यहां पे 1 है तो 1 3 3। अब यहां पे देखिए 21 डिवाइडेड बाय 3 है, ये माइनस है तो हम इसको ऐड करते हैं, 8 21 डिवाइडेड बाय 3। इसको हम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि यहां पे हम एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करते हैं और इसके साथ 21/3 क्या है, माइनस है, तो हम इसको ऐड करते हैं, तो ये होगा 343/27 प्लस 21/3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब माइनस 21/3 और प्लस 21/3। तो ये माइनस और प्लस क्या होगा, कैंसल, और यहां पे ये इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो यहां पे मैंने रफ वर्क किया है 343/27 प्लस 21/3। तो जब आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम की डिफरेंट मेथड है, उसमें से एक ये है कि डिनोमिनेटर को सेम करो, तो ये 27 है, मैं 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 27 आ जाए, 9, सो 9 3 27, तो 9 इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो क्या बना 9 मल्टीप्लाई बाई 21 189, 3 9 27। अब दोनों की डिनोमिनेटर सेम हुआ, जब डिनोमिनेटर सेम तो एलसीएम इसका 27 आता है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर अपनी जगह पे लिखोगे 343 प्लस 189, तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम 27 है, तो 343 प्लस 21 अपनी जगह पे लिखे और एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब, आप इसको जब आप ऐड करोगे तो क्या आंसर आपको मिलता है, ये 189 है, इधर एलसीएम मैंने लिया है, ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 189 आया है, इन दोनों को जब आप ऐड करें तो आपको मिलता है 532/27 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, 532/27। अब पार्ट नंबर 1 की तरफ देखिए, इसकी वैल्यू क्या है, 3/2 है, तो फार्मूला वही है, एक्स माइनस वन ओवर एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वन ओवर एक्स। पुटिंग द वैल्यूज, इसमें भी वैल्यूज पुट करते हैं, तो एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या है, 3/2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स, वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या है, 3/2 है। अब यहां पे 3/2 होल क्यूब का मतलब क्या है, 3/2 होल क्यूब का मतलब है 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, सो 3 3 9 9 3 27, 2 2 4 4 2 8, तो 27/8 आता है, क्या है, 27/8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब
माइनस थ्री थ्री जा नाइन डिवाइडेड बाय टू। अब यहां पे अगेन क्या है, नाइन बाई टू ये माइनस में है, इसको हम क्या करते हैं एड करते हैं, एड नाइन डिवाइडेड बाय टू ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे इसको एड करें तो ये क्या होगा, ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाय एट प्लस नाइन डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब माइनस नाइन डिवाइडेड बाय टू प्लस नाइन डिवाइडेड बाय टू, ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं। और यहां पे अगेन हम क्या लेते हैं एलसीएम, तो रफ वर्क की तरफ देखिए, अब इन दोनों एक ही टेबल में हैं तो इन दोनों को एक जैसे बनाने के लिए अगर मैं टू के साथ फोर मल्टीप्लाई करूं तो एट बनते कि नहीं, टू फोर जा एट बनता है, तो मैंने फोर नामिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई तो 9 4 जा 36 और 2 4 जा 8, अब दोनों की डिनोमिनेटर सेम हुए तो 8 इसका एलसीएम, नामिनेटर अपनी जगह पे लिखी तो क्या होगा इसका एलसीएम 8 और 27 प्लस 9 अपनी जगह पे लिखे एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब, तो 27 इधर 36 आता है क्योंकि यहाँ पे 9 के साथ मैंने 4 मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों को जब आप ऐड करें 27 प्लस 36 इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है 63 डिवाइडेड बाय 8। तो आपको अगर ये फॉर्मूले याद हुआ, आप 3/2 हो 7/3 हो या इसकी जगह पे और वैल्यूज आपको दे दे तो आप इसमें आसानी से कोट कर सकते हैं और इसका मेथड यही है।